फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खस्ता मट्ठी, ये चाय के साथ, या कहीं आप जाएं सफर के लिए, बहुत अच्छा होता है। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। इसीलिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है, और ये थोड़ा सा अजवाइन, और ये कलौंजी है, और नमक टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने अपनी अजवाइन अच्छे से, इसको पहले से हमने साफ कर लिया है। इसको थोड़ा हाथ से ऐसे क्रश करके तब डालेंगे। और ये थोड़ा सा कलौंजी है, इसको भी थोड़ा हाथ से ऐसे क्रश करके तब डालेंगे। और ये कसूरी मेथी, इसको भी हम ऐसे क्रश करके तब डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार, या 1 टीस्पून, थोड़ा सा और डाल दें। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना, किसी को कम किसी को ज्यादा पसंद होता है नमक। और हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं इसके लिए। और अब हम इसमें अपना रिफाइंड ऑयल डालेंगे। डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। घी, रिफाइंड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। इसको इसमें इतना मतलब डालेंगे मोयन, कि जब तक ये हमारा अच्छे से मिल के, मतलब घी मिल जाए जो है, और ये हम ऐसे बेसन अपना ऐसे मुट्ठी बांधे तो मुट्ठी बन जाए। हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ऐसे। बनने में भी आसान होता है, ज्यादा कुछ नहीं है वैसे तो। बेलना पड़ेगा उसमें, अब बनाइए तो उसमें बेलिए फिर काटिए, उसमें वो लगता है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं रहता। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बना के रख दीजिए और आप महीनों तक इसको खा सकते हैं। ये देखिए, अभी इसमें मोहन हमारा थोड़ा कम है, हल्का सा तेल हम और डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। फिर इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये मोहन हमारा ठीक है। ये देखिए, मुट्ठी बांध रहे हैं, बन रहा है। हमें इतना मतलब ऑयल डालना है, देखिए मोन के लिए हमें इतना ऑयल डालना है, ये मुट्ठी बांधने पे हमारी मुट्ठी बन जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और हमें इसको गूंदना भी नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करना है सारा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और हमें इसका मतलब ज्यादा मुलायम नहीं करना है, पानी डाल के सख्त आटा गूंदना है। ये देखिए, अभी थोड़ा पानी और डाल देंगे। ये देखिए,
इसी तरह से हमको इसका डो तैयार करना है। अभी थोड़ा पानी और डाल लेंगे, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा वो है, अभी बनेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारी मटरी खस्ता नहीं बनेगी अच्छी, इसलिए इनको पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, तभी समझ में आएगा कम है कि ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा डो खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है। हमको इसी तरह से मठ के लिए डो लगाना है। ये देखिए, हमको इसको गूंदना नहीं है, नहीं तो गूंद देंगे तो ये जो इसमें लेयर बनेगी बनी है वो सब खत्म हो जाएगी। हमें एकदम जिस तरह से बालूशाही के लिए हम बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है। बस ये डो हमारा बन के तैयार हो गया है। देखिए, हमें इसी तरह से इसको बना के छोटा छोटा रख लेंगे। ये देखिए, आप मतलब जितना छोटा बड़ा मन करे उतना छोटा बड़ा साइज आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी भी नहीं अच्छा। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा पतला बनाना हो तो आप ऐसे छोटी छोटी लोइए बना लीजिए और उसके बाद इसको आप ऐसे लेके इसको ऐसे बेलन से बेल लीजिए। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें मोटा ही बनाना है। फिर इसको ऐसे फोक से हम इसमें छेद कर देंगे जिससे ये हमारी मठी फूले ना और अच्छे से क्रिस्पी हो। लेकिन ये है, हम बेलेंगे नहीं, हम ऐसे बनाएंगे छोटी छोटी। गैस अपना ऑन कर दे रहे हैं, उसमें ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम अपना सारा बना के तैयार कर लेंगे। तब तक अपना गैस ऑन कर दे रहे हैं, उसमें तेल डाल रहे हैं धीरे धीरे। तेल हमारा गर्म होगा, हमें इसके लिए ऑयल ज़्यादा चाहिए। और हमारा तब तक गरम हो रहा है तेल, तब तक हम इसको फिर से बना ले रहे हैं। ये देखिए, ये जो इधर इधर से मतलब फटा रहता है वो अच्छा लगता है देखने में। हमको इतना ध्यान देना है, हमें इसको एकदम मीडियम आंच पे फ्राई करना है, नहीं तो हमारा पकेगा नहीं। जैसे हम बालू शाही एकदम मीडियम आंच पे बनाते हैं वैसे ही हमें इसको भी तलना है एकदम मीडियम आंच पे। अच्छा लगता है, एक बार आप लोग भी इसको बना के जरूर ट्राई करना, बना के रख लीजिए। फिर आप चाय के साथ, आजकल गर्मी भी हो गई है तो मन नहीं करता कुछ जल्दी नाश्ता बनाने का, तो आप बना के डिब्बे में भर के रख लीजिए और फिर आप चाय के साथ आराम से खाइए। ज़्यादा मसाला वसाला भी इसमें नहीं है कि कुछ नुकसान करने वाला होगा। देखिए, अब अपना तेल देख ले रहे हैं, गर्म हो गया है तेल हमारा, गर्म हो गया है। हम गैस की फ्लेम अपनी बिल्कुल कम कर देंगे और ये हमने बना के रखा है इसको डाल देंगे।
देखिए इसी तरह से हम अपनी सारी मिट्टी कर लेंगे, लेकिन हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे, एकदम मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपना दूसरा बना लेंगे। ये देखिए हम इसको एक बार अपना सारा पलट देंगे, फिर इसको भी पकने देंगे धीरे धीरे, क्योंकि मोटी है, अगर मीडियम आंच पे नहीं पकाएंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से हमारी वो पकेगी नहीं मठी। फिर देखिए हमने इसको मीडियम आंच पे पकाया है, हमारी एकदम क्रिस्पी और खस्ता मठी बनके तैयार हो गई है। इसको निकाल लेंगे अपना। और इसी तरह से अपनी दूसरी मट्ठी पका लेंगे। इसको भी एकदम मीडियम आंच पर पकने देंगे। ये देखिए हमने इसको अभी इसको पलट देंगे, एक तरफ से हो गया है दूसरी तरफ हो जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हो गया है, ये हमें इतना ध्यान देना है बस इसमें कि हमें इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो नहीं पकेगा। और आप एकदम मीडियम फ्लेम पे पकाएं, फिर उसके बाद जो है खा के देखिए इतना टेस्टी होगा कि घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। और आप कहीं घूमने जा रहे हो बना के रख लीजिए खाने के लिए, रास्ते में बहुत ही अच्छा लगता है और ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपको मैदा नुकसान करता है जो है तो आप उसके लिए जो है उसमें आप आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं तो भी अच्छा बनेगा। अगर आप सेहत के लिए थोड़ा इसको देखना चाहते हैं, रास्ते में खाने के लिए कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए बना के रखने हैं, तो फिर आप उसमें आधा मैदा और आधा आटा करके आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। बस इतना ध्यान देना है इसमें थोड़ा सा कि हमें इसको मीडियम आंच पे बनाना है बस। ये देखिए दोस्तों हमारी खस्ता मठी बनके तैयार है। आप लोग भी एक बार जरूर के बना के ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना आपको हमारी मठी कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।